हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ विद रोशनी। मैं हूँ रोशनी। फ्रेंड्स, आज हम जूट रोप का यूज़ करके कुछ DIY करेंगे। ये मेरे पास फ्लिपकार्ट का एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो ये बॉक्स खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका कुछ DIY करते हैं ताकि जो घर में पड़ी हुई वेस्टेज चीज़ें हैं वो एक बॉक्स पे आकर कलेक्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस जूट रोप का यूज़ करके कुछ DIY करेंगे, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमें बॉक्स की जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे, और मैंने ये पेन की हेल्प से इसकी लेंथ को मेज़र किया है जितनी मुझे इस बॉक्स की लेंथ चाहिए। अब हम इसे चारों साइड से कट करेंगे। कट करने के बाद इसकी लेंथ इतनी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे, वो इसलिए क्योंकि इस बॉक्स के बेस पे रखने के लिए, ताकि ये बॉक्स जब हम इसे रखें तो ये स्टेबल रह सके। इसे ग्लू गन की हेल्प से हम इस बॉक्स के बेस पर पेस्ट कर देंगे, लाइक दिस। अब हम ग्लू गन की हेल्प से रोप को इस बॉक्स में पेस्ट करते हुए चलेंगे। बी केयरफुल, हमें केयरफुली इस रोप को लगाना है इस बॉक्स पर। हमने इस बॉक्स को रोप से पूरी तरह कवर कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर डेकोरेशन। अब हम इस बॉक्स में कुछ डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ करेंगे, जैसे कि ये मेरे पास लेस रखी हुई थी, तो इस लेस को हम इस बॉक्स पे लगाएंगे चारों कॉर्नर पर। लाइक दिस, हमने इसे लेस से पूरी तरह कवर कर लिया है। अब हम इसके टॉप कॉर्नर पर भी वही काम करेंगे, चारों ओर प्रॉपरली लेस को हम लगाएंगे। हमने इसे लेस से चारों ओर कवर कर लिया है, और अब हम इसके टॉप कॉर्नर पर ऊपर लेस लगाएंगे। इसे लेस से पूरी तरह कवर कर देंगे ताकि ये बॉक्स नज़र ना आए ऊपर से। अब इसे हम बीड्स की हेल्प से डेकोरेट करेंगे। वन बाय वन हमें यहाँ पे प्रॉपरली एंड केयरफुली बीड्स को ग्लू गन की हेल्प से फिक्स करते जाना है। इसके चारों कॉर्नर पे हमें फिक्स करना है। मेरे पास कुछ बीड्स रखे हुए थे, इसलिए मैंने इसे बीड से इसका यूज़ किया है। आपके पास स्टोन हो, मिरर वर्क कुछ भी हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप एक ब्यूटीफुल सा, एक अनयूजेबल बॉक्स से एक फ्लावर वॉज बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने बीड्स की हेल्प से इस बॉक्स को पूरी तरह डेकोरेट कर लिया है जूट रोप के ऊपर। नाउ इट्स टाइम फॉर जूट फ्लावर। अब हम जूट फ्लावर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको दो प्रकार की जूट चाहिए, एक छोटी और एक बड़ी जूट रोप चाहिए। और मैंने इस प्रकार से कार्डबोर्ड के दो टुकड़े ले लिए हैं जिसमें मैं फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ। पहले मैंने एक छोटी जूट रोप को लगाया है, देन उसके ऊपर मैंने बड़ी जूट रोप को फिक्स कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। इस तरह से हम एक फ्लावर को जूट रोप की हेल्प से बना लेंगे। इसी तरह हमें बॉक्स के चारों ओर लगाने के लिए हमें कुछ फ्लावर चाहिए, जूट रोप फ्लावर, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। देन इस फ्लावर के अंदर मैं बिट्स को लगा रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने एक बॉड
बिग बिट्स लिया है, देन उसके चारों ओर मैंने छोटे छोटे बिट्स को लगाया है, तो इस यहाँ पर एक फ्लावर क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार हमें चारों फ्लावर में यही करना है। आप चाहे तो बहुत सारे फ्लावर डेकोरेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। मैंने यहाँ पे चार फ्लावर क्रिएट किया है इसके चारों कॉर्नर पर लगाने के लिए, देखते हैं। अब हम वन बाय वन इसमें हॉट ग्लू गन की हेल्प से इस फ्लावर को पेस्ट कर देंगे इसके चारों कॉर्नर पर। एज यू कैन सी नाउ, पूरी तरह से हमारा फ्लावर वास तैयार हो चुका है। नाउ इट्स रेडी फॉर होम डेकोर। अब आप इसमें कुछ फ्लावर्स रख सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर रख सकते हैं या कुछ फ्रेश फ्लावर रख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रहते रहिए, सुरक्षित रहिए।